हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं BBMQ के यूजी सेमेस्टर 2 और पीजी सेमेस्टर 2 को देखिए रिजल्ट कब तक हो सकता है जारी, और साथ ही साथ BBMQ का एक महान कारनामा सामने आया है। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आपको आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट लगने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो में चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा BBMQ के द्वारा इसी तरह तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले BBMQ के महान कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि नहीं दिए जाने पर हंगामा। लीजिए, BBMQ का स्थापना दिवस है और विनोद बिहारी महतो जी को श्रद्धांजलि नहीं दिया गया, जबकि हमने अपने कल के वीडियो में उनके बारे में बताया। सोचिए, लेकिन ये हमारा यूनिवर्सिटी इतना महान यूनिवर्सिटी है कि स्थापना दिवस में विनोद बाबू को श्रद्धांजलि देना भूल गया। लीजिए, एक महान कारनामा हमारे एक और यूनिवर्सिटी का। आइए चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या बातें कही गई है, ठीक है। तो विनोद बिहारी महतो कोंकण विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान विनोद बाबू की तस्वीर नहीं लगाने और उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देने पर काफ़ी हंगामा हुआ। VV केमिस्ट्री विभाग ने असिस्टेंट प्रोफेसर एवं धनबाद जिला प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह और BBMQ शिक्षक संघ के महासचिव एवं इंग्लिश विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु शेखर चौधरी ने विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर मुकुल नारायण देव ने खेद प्रकट किया। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कार्यक्रम में हर बार विनोद बाबू के परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता था, इस बार किसी को आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने इस मामले शिकायत राज्यपाल से भी करने की बात कही। लीजिए, इतना एक महान कारनामा हमारे एक यूनिवर्सिटी का कि जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी हमारा बना हुआ है उन्हीं को, उन्हीं के परिवार वालों को नहीं बुलाया गया। बताइए, तो क्या ये शिक्षा जगत हमारा तरक्की करेगा झारखंड का? आगे और कुछ बातें कही गई है हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, चलिए उन्हें भी जरा देख लेते एक बार कि इस हंगामे के बाद विवि अधिकारियों ने अपने विनोद बिहारी महतो की तस्वीर मंगाकर मंच पर लगाया। इसके बाद कुलपति समेत सभी अतिथियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। उन्हें अपने संबोधन में कुलपति ने मुकुल नारायण देव ने इसके लिए सार्वजनिक तौर पर खेद प्रकट किया। उन्होंने ऐलान किया कि विवि के नए परिसर में विनोद बिहारी महतो का कह सकते हैं प्रतिमा स्थापित की जाएगा, ठीक है। तो बाद में सोचिए कि क्या कहूँ, जब मैंने इस न्यूज़ को देखा तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इतना महान यूनिवर्सिटी है हमारा, क्या कहें इस यूनिवर्सिटी के बारे में। चलिए, जो था रिजल्ट, एग्ज़ाम, फॉर्म फिलअप, पैसा लूटना, जो भी था वो अपने अंतर्गत था, रहने देते हैं। मुद्दा यहाँ पर यही है हमारा कि जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी बना हुआ है उन्हीं को श्रद्धांजलि नहीं दिया गया, उन्हीं के फैमिली मेम्बर को नहीं बुलाया गया, और ये रहा हमारा कि महान यूनिवर्सिटी। अब क्या करेंगे, खेत प्रकट करके क्या करें कुलपति की शिकायत करके? जिस दिन स्थापना दिवस के दिन ही अगर लोगों को नहीं बुलाया गया, लोगों को पहले बात तो जागरूक ही नहीं किया गया स्थापना दिवस से, बच्चों को मालूम ही नहीं स्थापना दिवस से BBMQ का, बच्चों को बताया जाएगा तब ना हर कॉलेज में, हर BBMQ तक जितने कॉलेज आते हैं उन सभी बच्चों को बताने का फ़र्ज किसका है? यूनिवर्सिटी का फ़र्ज है, कॉलेज वाले को फ़र्ज है कि नहीं फ़र्ज, आप सभी बच्चे बताइए। तो ये रहा देखिए हमारा एक महान, क्या बोलूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कुछ कहना ही मुश्किल है, ठीक है। आप सभी बच्चे बोलेंगे इस यूनिवर्सिटी को मैं सिर्फ नेगेटिव ही पॉइंट बोलता हूँ, तो एक अच्छे पॉइंट मुझे मिलेगा तब ना मैं कुछ कहूँगा। जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया जिन्होंने के नाम पे यूनिवर्सिटी बना हुआ है, ठीक है, उनको ही नहीं बुलाया जा रहा, बताइए क्या कहूँ इस महान यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ठीक है, जो है वही हमारा महान यूनिवर्सिटी हमारे नसीब में लगा हुआ है, हम लोग को यहीं से पार करके किसी तरह सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेने के लिए यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो भी BBMQ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप सभी बच्चे जरूर टॉप करिएगा भविष्य में, मेरी ऐसी कामना है सभी बच्चों की। तो देखिए, अब बात करते हैं UG सेमेस्टर 2 और PG सेमेस्टर 2 के देखिए रिजल्ट आने की। तो आपको बता दूँ, देखिए UG सेमेस्टर 2 और PG सेमेस्टर का रिजल्ट अप्रैल में आएगा, फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा देखिए रिजल्ट थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्या है कि ये कांड हो गया एक बहुत बड़ा BBMQ के साथ, तो ये कांड जब तक देखिए सुलझेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी बच्चे जो भी UG सेमेस्टर 2 में या फिर PG सेमेस्टर 2 में रिजल्ट जब आएगा आने दीजिए, UG सेमेस्टर 3 की तैयारी करिए, PG सेमेस्टर 3 की तैयारी भूल जाइए, रिजल्ट जब आएगा आने दीजिए, उससे क्या करना है आपको, आपने एग्ज़ाम दे दिया बात खत्म। आगे की तैयारी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेमेस्टर 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो आराम से तैयारी करिए मस्त से। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँ, इसके निश्चिंत रहिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक है, जुड़ने का मन करे जुड़ जाइएगा, कोई भी अपडेट आएगा भेज दूंगा, कम्युनिटी पर चेक करते रहिएगा। जब तक मैं हूँ तब तक आप सभी बच्चों को BBMQ संबंधी जानकारी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। बाकी
भविष्य का कुछ कहानी जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और विनोद बिहारी बतक बारे में कैसा लगा स्थापना दिवस पे इस पर कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, कितना महान यूनिवर्सिटी है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और यू फ्यूचर इसी तरह पढ़ते रहिए हमारी यूनिवर्सिटी में।